नमस्कार, गोड्डा झाड़ न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है, अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। वैलेंटाइन डे के मौके पर मौसम साफ रहा, हालांकि सोमवार से अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्व अनुमान में तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में बसंत पंचमी के अवसर पर आसमान में बादल रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार आगामी 16 से 17 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है, धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। किसानों का सहारा बनी पीएम सम्मान निधि योजना। झारखंड के 25 लाख से ज्यादा किसान हुए लाभान्वित। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मुहैया कराई गई राशि उनका बड़ा सहारा बनी। इस कठिन वक्त के दौरान मार्च 2020 से 4 फरवरी 2021 तक झारखंड के 25,69,646 किसानों के खाते में इस योजना के तहत 1,395 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई। यह जानकारी लोकसभा में संजय सेठ के सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। स्कूटी सवार सीआईएसएफ महिला जवान को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। धुरवा थाना क्षेत्र के नए विधानसभा के पास सड़क हादसे में सीआईएसएफ की महिला जवान मुन्नी कुमारी की मौत हो गई। ट्रक के धक्के से महिला जवान सड़क के किनारे जा गिरी और मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला जवान स्कूटी में सवार होकर सीआईएसएफ कैंप त्रिल से निकलकर अपने घर लौट रही थी, उसी दौरान एक अज्ञात ट्रक ने चपेट में ले लिया। ट्रक चालक मौके से भाग निकला है, लेकिन पुलिस रूट के सभी चेक नाकों में पकड़ने के लिए वायरलेस पर सूचना फ्लैश की है। अब तक ट्रक का कोई पता नहीं चल पाया है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद धुरवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। रेल कर्मियों को जल्द मिलेगा रात्रि भत्ता, सरकार ने रेल यूनियनों को दिया जवाब। रेल कर्मियों को जल्द ही रात्रि भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस भत्ते को रोक दिया था। बाद में रेल कर्मियों की मांग के बाद रेलवे बोर्ड ने रेल भत्ता जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन किसी भी रेल मंडल में रात्रि भत्ता देने का काम शुरू नहीं हुआ था। इस पर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेशेंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को पत्र लिखा था। इस पत्र के जवाब में मंत्रालय के निदेशक कविंद्र जोशी ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के महासचिव डॉक्टर एम रघोइया को पत्र लिखकर आश्वासन दिया है कि जल्द ही रेल कर्मियों को रात्रि भत्ता मिलने लगेगा। खबर है झारखंड के गोड्डा से। मार्च में होगा पोड़ैया हाट गोड्डा रेल लाइन का सीआरएस, तैयारियां शुरू। हम सफर एक्सप्रेस का परिचालन हर हाल में मार्च से शुरू हो, इसके लिए रेलवे के अधिकारियों ने अधूरे काम को पूरा करने के लिए दिन और रात एक कर चुके हैं। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में नवनिर्मित पोड़ैयाहाट गोड्डा रेल लाइन की मुख्य संरचना आयुक्त द्वारा जांच की तैयारी में शुरू कर दी गई है। अभी तक इस नई लाइन की जांच कुल मिलाकर 3 बार हो चुकी है। बीते दिनों पूर्व रेलवे के चीफ इंजीनियर राजीव गुप्ता ने नई लाइन की जांच की थी। निर्माण और ओपन लाइन के अभियंताओं ने नई रेल लाइन पर ट्रॉली जांच के स्पीड, रेलवे ट्रक पर भार, पुल पुलिया की जांच बारीकी से की, ताकि सीआरएस जांच के दौरान कोई कमी नहीं दिखे। बताया जा रहा है कि इनकी रिपोर्ट के बाद फाइनल जांच मुख्य संरचना आयुक्त ट्रेन द्वारा करेंगे। इसके बाद नई लाइन पर हमसफर एक्सप्रेस के चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। चुनावी घोषणा के अनुरूप लागू करें पुरानी पेंशन योजना। विभिन्न सरकारी संस्थाओं से जुड़े सरकारी कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर अपने अपने प्रखंड में मुख्यमंत्री के नाम का मांग पत्र वीडियो को सौंपा। इनमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही थी, परंतु अभी तक उस ओर किसी भी प्रकार की सकारात्मक पहल होते नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की गई। साहिबगंज में सरकारी कर्मियों ने वीडियो प्रतिमा कुमारी को मांग पत्र सौंपा। इसमें संगठन सचिव मुरलीधर रजक, प्रांतीय सदस्य अभिषेक कुमार, प्रखंड संयोजक वीरेंद्र कुमार, दीपक कुमार पासवान, रेणु गुप्ता, संजीव कुमार, आरती कुमारी, ममता मुर्मू भी शामिल थे। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। 2.25 लाख घरों तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। जल जीवन मिशन के तहत जिले के 1,72,862 घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। इसके तहत अब तक 4140 घरों को नल जल के तहत कनेक्शन दिया गया है। यह जानकारी उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान दी। उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों एवं भविष्य में घर एवं अन्य प्रमुख जगहों पर नल
नल जल कलेक्शन की पूर्ण जानकारी ली। खबर है झारखंड के लातेहार से। सदर अस्पताल में फिर से खुलेगा जन औषधि केंद्र। सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र सभी सरकारी अस्पतालों में गरीबों को देखते हुए जन औषधि केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है। इसी आलोक में उपायुक्त अब्बू इमरान के निर्देश पर रविवार को SDM शेखर कुमार ने सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। SDM ने सिविल सर्जन को जल्द से जल्द जन औषधि केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया। मरीजों में SDM को बताया कि सदर अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 300 मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र कई महीनों से बंद होने के कारण बाजार मूल्य से कम मूल्य में दवा मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। औषधि केंद्र के बंद रहने से मरीजों को बाहर के दुकानों से ऊंचे दामों पर दवा की खरीदारी करनी पड़ रही है, जिसमें अधिकांश मरीज गरीब तबके के लोग अस्पताल आते हैं जिनके पास दवा खरीदने का पैसा नहीं होता। ऐसे समय में जन औषधि केंद्र बंद होने से मरीजों की समस्या बढ़ गई है। खबर है झारखंड के रांची से। 5 वर्षीय MBA कोर्स में एडमिशन का मौका 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची ने अपने 5 वर्षीय MBA कोर्स में एडमिशन शुरू कर दिया है। पहला बैच 2021 से 2026 के लिए शुरू हो रहा है। इस कोर्स में सेट स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा। इसके लिए 30 जून तक आवेदन दे सकते हैं। वहीं ऐसे स्टूडेंट जो 31 अगस्त तक 12वीं की योग्यता पूरा कर लेते हैं वे भी आवेदन के योग्य होंगे, पर इस तारीख तक उनके पास सेट स्कोर भी होना चाहिए। एडमिशन से संबंधित जानकारी IIM रांची ने नोटिस जारी कर दी है। पहले बैच में 120 सीट के लिए ही एडमिशन लिया जाएगा। खबर है झारखंड के बोकारो से। बोकारो जनरल अस्पताल में 13 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की होगी बहाली। बोकारो जनरल अस्पताल में चिकित्सकों की कमी जल्द ही समाप्त होगी, इसके लिए सेल प्रबंधन ने बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक BGH में 13 स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। 910 बेड वाले BGH में फिलहाल चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है, जिसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में सेल चेयरमैन को भी BGH की व्यवस्था से सभी ने अवगत भी कराया था, जिसके बाद अस्पताल में हाईटेक चिकित्सा सुविधा के लिए मास्टर प्लान तैयार हुआ, जिसके तहत प्रथम चरण में चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। पटना से हजारीबाग आ रही बस ट्रक से टकराई, 18 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मार्ग स्थित कोडरमा बाजार के समीप रविवार को सुबह पटना से हजारीबाग जा रही हेमकुंड बस और ट्रक के आमने सामने की हुई टक्कर में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पर सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल कोडरमा में चल रहा है। वहीं चंद्रकांता प्रसाद नवादा निवासी की स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। बाकी एक को छोड़ सभी घायलों को स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं बस व ट्रक को जब्त कर लिया गया है। खबर है झारखंड के खुट्टी से। खुट्टी के बिरगांव में कंप्यूटर लैब की शुरुआत से सृजन के खिले चेहरे। झारखंड के खुट्टी जिला अंतर्गत कर्रा प्रखंड के बिरगांव में ग्रामीण बच्चे अब कंप्यूटर का ज्ञान सीख सकेंगे। बिरगांव के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कंप्यूटर लैब की शुरुआत हुई है। सामाजिक संस्थान प्राडाइज द ग्रुप दैट जॉयफुली शेयर्स की ओर से कंप्यूटर लैब की शुरुआत की गई है, ताकि बिरगांव के ग्रामीण बच्चे भी कंप्यूटर सीख सके। खबर है झारखंड के दुमका से। फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में व्याप्त कर्मियों का मुद्दा सांसद में गुजा। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने शनिवार को सांसद के शून्यकाल के दौरान फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में व्याप्त समस्याओं और कमियों से जुड़ा मामला उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसमें एक दुमका स्थित मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, लेकिन इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए न तो लैब की व्यवस्था है, न ही कैडियर व केमिकल्स की उचित प्रबंध है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।